अस्सलाम वालेकुम जी। जी तमाम दोस्तों का की हाल चाल है जी। उम्मीद करते कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे जी। जी जिस तरह के काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे दो तीन दिन तो दोस्त काफ़ी गलबात जी ये बारे पूछ रहे थे जी। जी सब तो पहले तो मैं दोस्तों दसदा चला कि काफ़ी दोस्त कहते हैं जी कि डिस्क जी है इस तरह लगाओ जी, ये दो तो जाएगा तो फिर पता लगेगा, ट्रैक्टर के इंजन का भी फिर पता चलेगा। ठीक है जी, काफ़ी यहोजे कमेंट जोड़े ना वो पढ़ने मिले आ। तो मैं दोस्तों के नाल ये गलबात शेयर करना चाहता वा कि देखो इस ट्रैक्टर और इस आप डिस्क जी है इनू आप लिया है वह जिमीदारे वास्ते। ठीक है जी, जिमीदारे दे वेचे मेरा जिथे दी ख्याल हैगा वा कि अगर मैनू पाकिस्तान लोग देख रहे हैं या कि इंडिया देख रहे या कितने होर भी दोस्त देख रहे कि जेहो जी जमीन आप आलू वास्ते तैयार करी दी है ना, वह जी जमीन जी है ना तो गंदम वास्ते तैयार होंगी है, ना मकई वास्ते होंगी है, ना चावल वास्ते होंगी है। यानी कि गल करन दा मकसद यह है कि आलूआं दी जमीन जी है सब तो ज़्यादा वो तैयारी मंगती है। ठीक है जी, किसी भी तुसी चल जाओ सब तो ज़्यादा जी आलूआं दी फसल जी तैयारी मंगती है। और इंशाल्लाह ताला ये बड़ा सोच समझ के ये चीज़ लई है और काफ़ी देर उत्ते सोच विचार कर रहे थे डिस्क के उपर भी खास तौर के उपर। ठीक है जी, और इंशाल्लाह बड़ियां जबरदस्त चलिया वा। बाकी अगर ट्रैक्टर का तुम ज्यादती करोगे तो वह बेशक ये तो 80-85 HP के ट्रैक्टर वो तुम अगर 250 HP का भी ट्रैक्टर लिया उन्हें भी ज्यादती करोगे ना तो वह भी नुकसान करेगा। और यह दोस्त देख सकते हैं जी, सब तो पहले मैं दस देव दोस्तों कि यह 45 किलो का आप वेट लगाया इन साइड के उपर सिर्फ, बाकी ट्रैक्टर जोड़ा है इन्हें 50 एकड़ रकबा जोड़ा ना उन्हें इन्हें वाह लिया इस टाइम लिया के हूँ ड्राइवर ने खड़ा किया जी। ठीक है जी, 50 एकड़ रकबा जोड़ा इन्हें नाल वाह लिया वा। और ट्रैक्टर देख लो तुम कि किसी जगह के उत्तर भी यदि लीकेज वगैरह नहीं है हले, यह एक ढक्कन के उपर से है यह लीकेज आई ये उपर। ठीक है जी, बाकी मैं टोटल दिखा दिना दोस्तों कि किसी जगह तो लीकेज नहीं यदि आई। आ उपर सी ये पाइप कस दिया उस दिन आई है, पाइप वगैरह लाद्या यह चीज़ सिमी है, ये पाइप लाद्या सिमी उस दिन, बाकी ट्रैक्टर बिल्कुल ठीक है, कितों भी लीकेज नहीं हुई। मेन मेरा गल करन दा मकसद यह है कि देखो दोस्तों अगर मैं ये उपर 29 से 30 लाख रुपया लाया ना इस मुकम्मल सैट के उपर ये उपर। ठीक है जी, तो मैं सोच समझ के लाया वा तो मैं एवें नहीं लाते या ना कि अपने पैसे जोड़े वो बर्बाद किए। ठीक है जी, इनू माशाला मेरे ड्राइवर जोड़े है वह भी मुतमिन इस चीज़ के उपर। ठीक है जी, बाकी डीजल की एवरेज भी इंशाल्लाह कढ़ांगे आपां इहदी। ठीक है जी, बाकी कोई इंजन ते लोड नहीं है, पहले हाईवे विच भी डिस्क चलाएगा और चौथे लोह च भी चलाएगा। जिस जगह के उपर तुहानू महसूस होवे कि जमीन ज़्यादा गिली है उत्थे तुसी चौथा लोह भी इस्तेमाल कर लो, उत्थे पहले च ना जाओ तुसी। मकसद तो अपना यह ना कि आपां कम लैना इहदे कोलों और कम किस तरह लैना आपां। ठीक है जी, टाइम की भी बचत हो जाए, अपने डीजल की भी बचत हो जाए, मकसद तो अपना यह है ना। ठीक है जी, तो जे अगर कोई दोस्त कहते हैं जी कि इनू इस तरह चलाओ जी, ये इस तरह करो जी, मैं ये उपर कोई मजीद तजर्बे करने वास्ते नहीं लिया, मैं अपने जिमीदारे वास्ते लिया वा भी जिद मैं टाइम की भी बचत हो जाए और डीजल की भी बचत हो जाए। और मैं इस चीज़ के उत्ते इस सैट के उत्ते बिल्कुल मुतमिन वा। ठीक है जी, तो बाकी हर दोस्त की अपनी अपनी राय होंगी है, अपने अपने होंगे गलबात। काफ़ी दोस्तों ने जिन्होंने कमेंट किए कि टायर के अंदर हवा ज़्यादा वा, बिल्कुल टायर के अंदर हवा ज़्यादा सी, उस तो बाद मैं हवा जी है वह घटाती, अगले व्हील चो भी घटाती और पिछले च भी घटाती। ठीक है जी, और कोई दोस्त कहते हैं कि इस डिस्क जी है इनू 85 के मगर पा के चेक करो दोस्तों, 85 इनू बिल्कुल नहीं खिंचेगा। ठीक है जी, तो 4x4 ही इनू खिंच सकता वा। ठीक है जी, तो और यह देख सकते हो तुम तवियां के उपर हूँ जी ब्लेड ये है देख लो, बिल्कुल इन्हों के उत्ते पेंट जोड़ा सगा वह बिल्कुल उतर गया वा, यह देख सकते हैं दोस्त ठीक हो गया जी। यह देखो इस तरह पिछली साइड वाले ब्लेड जोड़े है उन्होंने भी चेक कर लो, यानी कि जी इन्हें 50 एकड़ जी डिस्क लग गई है और माशाल्लाह डिस्क भी ठीक है और माशाल्लाह ट्रैक्टर भी कोई मसला नहीं बनया तो, और इंशाल्लाह ताला ना ही कुछ इन बनेगा। ठीक है जी, अगर तुम जिमीदारे वास्ते ही करना वा शुक्र मेला लाने वास्ते तो तुम जो मर्जी करते रहो, लेकिन आप सोच के लिया कि टाइम की बचत हो जाए, क्योंकि जिमीदारा का तुम्हें पता ही अजकल कि डीजल कितना महंगा हो गया वा, ये सारा कुछ सोच के। और मैं अक्सर भी दोस्तों ने कहना हूँ जी अगर 4x4 85 लैना वा, ठीक है जी, या 4x4 तुम होर कोई भी कंपनी का किसी का भी लैना है वा, न्यू हलैंड का लैना वा, YTO का लैना या कोई भी लैना है वा, कोशिश वो ये करो फिर कि तुम पिछे जी है डिस्क जी है या हल जोड़े है या रूटावेटर जोड़ा है वो मुताबिक का पाओ।
अगर आप ये मगर ही 18 दियाँ चलानियाँ गई तो फिर आप ट्रैक्टर के ज़्यादा पैसे भरन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह ताला इहदी मालूमात जिन्नी भी होएगी दोस्तों का शेयर करते रहेंगे जी। ठीक है जी, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं नहीं फार्म से आना जी, तो इंशाल्लाह ताला जिदा मजीद मैं आवागा तो इंशाल्लाह इहदी सारी कारकर्दगी दोस्तों का डीजल की एवरेज हर चीज़ जी है वो दोस्तों का शेयर करांगे जी। आप इहनू दोस्तों चलाने वास्ते लिया वा, ठीक है जी, आप इहनू काम वास्ते लिया वा, लिहाजा इस वास्ते नहीं लिया के जी इहनू डिस्क ला के चैक करो जी कि किन्नी खिंचदा तो किन्नी की कर रहा तो की कर रहा जी, ये नहीं। अपना मकसद हैगा डीजल बचाना, डीजल बचे अपना टाइम की बचत होवे, अपना मेन मकसद यही है जी। ये ही दोस्तों को हम इजाजत चाहते हैं जी, तो अगर मेरी कोई गल दोस्त को किसी को बुरी लगी हो वास्ते माजत, अगर कोई दोस्त मैनू ये बारे दे मालूमात देना चाहे कुछ होर भी, ठीक है जी, तो वह बिल्कुल मैं वो उत्ते अमल करा। जिस तरह किसी दोस्त ने कहा कि हवा कट करो जी, वो बिल्कुल उस तरह चला के चैक की वा। एक दोस्त ने कहा कि यदि हिच थोड़ी जी नीवी करके चैक करो इनू, ठीक है जी, वह भी इंशाल्लाह तला करके देखा। ये ही दोस्तों इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़ जी।